मड्यूल 83 शॉर्ट एंड लीस्ट कॉस्ट इनपुट शूज टू जब हम शॉर्ट रन लीस्ट कॉस्ट इनपुट यूज की बात करते हैं इट बेसिकली रिपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट बाय फार्मर बाय यूजिंग मिनिमम कॉस्ट और ये मिनिमम कॉस्ट आप किस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि दिस मिनिमम कॉस्ट और लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन कैन बी फाउंड कैन बी फाउंड बाई प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉस्ट लाइन और जब आप स्लोप ऑफ कॉस्ट लाइन की बात करते हो ये बेसिकली आपके पास है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल फॉर लेबर मैं यहाँ पे कैपिटल फॉर लेबर की बात करता हूँ क्या मेरी एजमशन है फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन बाई यूजिंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल और स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन क्या है यह आपके पास मार्केट में क्या एक्सचेंज रेट लाइक कर रहे हैं बिटवीन दीज टू इनपुट और ये जो मार्केट में एक्सचेंज रेट होता है ये बेसिकली इक्वल होता है द नेगेटिव रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू इनपुट्स। फिर इसी तरह जब आप स्लोप ऑफ की बात करते हो दिस इज द रेट ऑफ एक्सचेंज इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर कैजी टू प्रोड्यूस समथिंग फॉर्मर नीड्स कैपिटल एंड लेबर हाँ जी किस रेट पे इन दोनों इनपुट्स को फार्मर सब्सिट्यूट कर सकता है

और राइट हैंड साइड पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन स्लोप ऑफ आइसोकॉन को हमने डिफाइन किया था दिस इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और फिर इसी पैटर्न पे स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन को हमने डिफाइन किया था नेगेटिव ऑफ द प्राइस ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल और अभी अगर इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया जाए तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल क्या फार्मर कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग द कंबिनेशन वेयर स्लो वेयर आईसो कॉस्ट एंड आईसो क्वांट आर टेंजेंट और साथ उनकी स्लोप क्या होगी उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट एंड स्लोप ऑफ आइसो आर इक्वल अब लेबर को जब हम प्राइस ऑफ लेबर पे डिवाइड करते हैं इट इज बेसिकली मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट पर रुपी स्पेंट ऑन लेबर फिर इसी तरह जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को हम प्राइस ऑफ कैपिटल पर डिवाइड करते हैं दिस इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट पर रूपी स्पेंट ऑन कैपिटल अब अगर यहां पर सपोज एन इनपुट यूज किए जा रहे हो तो जी फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट सिचुएशन क्या प्रिवेल करनी चाहिए कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट पर रुपी स्पेंट ऑन ईच इनपुट क्या होगा इट शुड बी सेम अब इसी चीज को इलेबोरेट करने के लिए हम एक आइसोकॉन्ट आईसो कॉस्ट लाइन यहां पे एक ड्रा की और यहां पे सिचुएशन क्या है फार्मर कैन प्रोड्यूस आई क्यू लेवल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग ओके एंड ओ एल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिस्पेक्टिवली अब अगर हम एज्यूम करें तो पी पॉइंट पे सिचुएशन क्या है कि स्लोप ऑफ आईसो क्वांट एंड आईसो कॉस्ट लाइन आर इक्वल अब अगर यहां पे प्राइस ऑफ लेबर चेंज हो जाए मेरी जम्शन क्या है कि प्राइस ऑफ लेबर प्राइस ऑफ लेबर डिक्रीजेज आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगा इट विल पिवर्ट आउटवर्ड जब वो पिवर्ट आउटवर्ड करेगी तो आपके हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट मूव कर जाएगा फ्रॉम पॉइंट एन टू पॉइंट डी और यहां पे ये जो न्यू आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन बनी है दिस इज दईसो कॉस्ट लाइन दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वेज रेट ऑफ लेबर और फार्मर का ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस आई क्यू लेवल ऑफ आउटपुट बाई यूजिंग मिनिमम कॉस्ट अब यहां पर मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए प्राइसिस ऑफ इनपुट चेंजेस वी हैव टू ड्रा अ न्यू आइसो कॉस्ट लाइन वी हैव टू ड्रा एन आइसो कॉस्ट लाइन दैट इज पैरल टू न्यू बज न्यू आइसो कॉस्ट लाइन और जब मैं उसको ड्रा करता हूं तो आईसो कॉस्ट लाइन किस पॉइंट पे आपके आई क्यू करती है इट बिकम्स टेंजेंट एट पॉइंट कि जिस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट आई क्यू कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग क्यू कंबिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल हां जी ये जो इनपुट की सब्सिट्यूशन हुई क्यों हुई दिस इनपुट सब्सिट्यूशन इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ लेबर और इस न्यू सिचुएशन में फार्मर विल प्रोड्यूस आई क्यू लेवल ऑफ आउटपुट बाई यूजिंग ओके स्टार अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ओ एल स्टार अमाउंट ऑफ लेबर के जब प्राइस ऑफ लेबर डिक्रीज हो जाएगी टू प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही विल डिक्रीज द यूजेज ऑफ कैपिटल लेकिन साथ में वो क्या करेगा ही विल इनक्रीज यूजेज ऑफ लेबर और जब इस पैटर्न पर वो कैपिटल को लेबर के साथ सब्सिट्यूट करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ द फार्मर विल बी मिनिमम टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट और अब अगर हम इस सारे को समराइज कर दें तो जो चीज इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट कॉस्ट इनपुट कंबिनेशन विल चेंज वेन प्राइस ऑफ रेलेटिव प्राइसिस ऑफ इनपुट चेंजेस combination of choice move from p to combination q when price of labor decreases while price of capital remain unchanged